हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई लोग, अभी हम आए हुए माधव होटल पे। यहाँ पे हर रोज खाने के लिए नए नए लोग आते रहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे पंजाबी और काठियावाड़ी फूड का जो मेनू है वो हर रोज़ चेंज होता है। पर यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी भी है जो कि चेंज नहीं होती। वो पता है आपको क्या है? वो है माधव होटल का टेस्ट और यहाँ का पार्किंग, जो कि हर रोज़ शाम को ऑलमोस्ट फुल ही हो जाता है। एंड आई विश हमेशा ये क्राउड बरकरार रहे। आज हम ट्राई करने वाले माधव होटल की मोस्ट पॉपुलर काठियावाड़ी थाली, उसके साथ हम ट्राई करने वाले अनलिमिटेड पंजाबी थाली। सो चलिए आप हमारे साथ माधव होटल का फूड ट्राई करते हैं। अभी हम आए थे सोमनाथ, थोड़ी देर पहले हम गए थे भोलेनाथ दादा के दर्शन करने के लिए। टाइम हो चुका था डिनर का, तो हमने सोचा कि अभी डिनर करना है। हमने यहाँ के लोगों से पूछताछ की कि यहाँ पे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, तो सभी लोगों ने हमें एक ही बात बताई कि हाईवे पे आपको माधव होटल मिलेगी, जहाँ पर आपको सभी तरह का खाना मिल जाएगा। सो अभी हम आए हैं माधव होटल पर काठियावाड़ी थाली खाने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर पंजाबी, चाइनीज़ और साउथ इंडियन भी मिलता है, पर हम दोनों यहाँ पे काठियावाड़ी थाली खाने वाले तो अभी लग चुकी है हमारी काठियावाड़ी थाली, जिसके अंदर फोर टाइप सब्जी काठियावाड़ी आती है, जिसमें एक सेव टमाटा है, एक उंधिया बोलते हैं इसको, एक रसा वाला बटेका है, और ये सब्जी बैंगन का भरता बोलते हैं इसको, जो काठियावाड़ी ट्रेडिशनल थाली में बहुत ही फेवरेट सब्जी होती है, जिसके साथ में बाजरे का रोटला कॉम्बिनेशन में अच्छा लगता है। साथ में चपाटी रोटी है और परोठा भी दिया गया है, और सुबह यहाँ पर दाल भात मिलते हैं और शाम को कढ़ी खिचड़ी यहाँ पर मिलती है, और इसके साथ में हमें सलाद भी मिलता है। बात अच्छी है कि अगर आपको पंजाबी टेस्ट पसंद है तो इसके साथ में पंजाबी सब्जी भी मिलती है, और स्पेशल छाछ जो अलग तरीके से जहाँ पे बॉटल में दी जाती है, और यहाँ पे स्वीट एक्स्ट्रा मिलती है, जिसके अंदर है गुलाब जामुन, इसकी प्राइस है 40 रुपीज़, और आइसक्रीम श्रीखंड मिलता है यहाँ पर, जिसकी प्राइस भी 40 रुपीज़ है, और स्वीट दही मिलता है, और एक पूरनपुरी जो यहाँ की बहुत ही फेमस और फेवरेट है मेरी भी। माधव होटल की पूरनपुरी तो कमाल की होती है, जो मैं और हमारे पूरे फैमिली को बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे जो पूरनपुरी होती है उसकी प्राइस है ओनली 60 रुपीज़। पूरनपुरी की साइज़ एकदम बड़ी साइज़ में मिलती है, और पूरी जो घी बोलते हैं देसी घी, यहाँ के वाड़ी का जो होता है उसके अंदर डुबाई हुई मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ की ये बात मुझे बहुत ही पसंद आई कि जो सब्जी होती है वो इस तरह से यहाँ पे हमें दी जाती है, बाउल में देते हैं, छोटे बाउल में, ताकि फूड वेस्ट ना हो। ये बैंगन का भरता है, हम जितना चाहे इतना इस बाउल में से ले सकते हैं, और दोबारा भी हम इसको मंगवा सकते हैं। We'll be right back.
वैसे सभी सब्जी का टेस्ट कमाल का है, जैसा कि मुझे पसंद है। ना तो सब्जी में ऑयल ज़्यादा है, ना तो ऑयल कम है। ये चीज़ें जो आप देख रहे हो वो सब अनलिमिटेड है, और ये काठियावाड़ी थाली की प्राइस ओनली 120 रुपीज़ है। दोस्तों, माधव होटल की स्पेशल पंजाबी थाली आ चुकी है। इसमें हमें 3 टाइप की सब्जी मिलती है, एक है वेज की सब्जी, एक है बन की सब्जी, साथ में मिलती है काजू बटर मसाला। ब्रेड में भी कई तरह के ऑप्शन मिलते हैं, एक है बटर कुलचा, बटर नान और बटर रोटी, साथ में है बटर मिल्क और सलाद में है फ्रेश वेजिटेबल। एंड यहाँ पे पंजाबी थाली की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 170 रुपीस। जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो सब अनलिमिटेड है। 3 टाइप की तो पंजाबी सब्जी मिल रही है, काजू की सब्जी है, पनीर की सब्जी है, वेज की सब्जी है, और ब्रेड में भी कई तरह की ऑप्शन में मिल जाते हैं। सो ये बेस्ट डील है। अगर आप कभी भी सोमनाथ पे भोलेनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए आते हो तो यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का जो खाना है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। वैसे पहले यहाँ पे आने पर हमें लगा था कि ये जो माधव होटल है वो खास करके अपने काठियावाड़ी फूड के लिए फेमस है, पर यहाँ का जो फूड है वो ट्राई किया, हमें पता चला कि काठियावाड़ी के साथ साथ यहाँ पे ये जो पंजाबी फूड है वो भी बहुत ही अच्छा है। ये जो माधव है वो हमारे सौराष्ट्र के मोस्ट पॉपुलर फूड चेन है। सो यहाँ का जो सारा खाना है वो बहुत ही डिलीशियस है। सो यहाँ पे काठियावाड़ी थाली की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 120 रुपीस, सब चीज़ अनलिमिटेड रहती है। और ये जो पंजाबी थाली आप देख रहे हो इसकी प्राइस है 170 रुपीस। सो दोस्तों, माधव होटल की मैं आपको कुछ खास बात बताना चाहता हूँ, चलिए आप मेरे साथ। सो सबसे पहले भाई आप अपना नाम बताइए। ओके प्रवीण भाई, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, ये जो माधव होटल है इसको इतना सक्सेस मिला है उसके पीछे का सीक्रेट क्या है? मतलब इतने सारे लोगों को पसंद आता है आपका फूड, सो उसका सीक्रेट क्या है? आपको मैं इसका सीक्रेट बताना चाहूँगा तो बताऊँगा कि सब लोग हिसाब से और दिमाग से खिलाते हैं, हम लोग दिल से खिलाते हैं। क्या बात है, ये दिल से खिलाते हैं, इसीलिए लोगों को तो पसंद आने ही वाला है, डेफिनेटली सही बात है। और दूसरा चीज़ मैं अपने बताना चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ कि 90% प्रोडक्ट है जो हमारा फार्म से ही आता है। ओके, क्या बात है, दही है, यस, सास, गेहूँ, बाजरी, सब कुछ 90% प्रोडक्ट हमारे घर से ही आता है। क्या बात है, और ज्यादातर लोग हमारे घर के ही, जैसे कि ओके जगह भाई, ओके, सब लोग आपके ज्यादातर फैमिली मेंबर्स है? ज्यादातर फैमिली। ओके, क्या बात है। और ये जो होटल है माधव होटल, उसका लोकेशन आप एक बार मुझे बता दो। जब आप भोलेनाथ का दर्शन करने सोमनाथ मंदिर पे आते हैं तो सोमनाथ मंदिर से 20 किलोमीटर आगे, ओके, और गड़ू से 5 किलोमीटर। ओके, सर्विस बहुत बढ़िया थी, कह सकते हैं हमारी जो है एकदम परफेक्ट था। माधव होटल जो है यहाँ पे बैंकेट हॉल है, पार्टी लोन है, जहाँ पर आप लोग अपनी छोटी बड़ी पार्टी भी कर सकते हो, और यहाँ पे स्टे करने के लिए रूम भी दिए गए एसी और नॉन एसी। तो आप लोग कभी भी सोमनाथ आते हो तो होटल पर स्टे भी कर सकते हो, अच्छा खाना भी खा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे कोल्डिंग पॉइंट भी दिया गया है, रिफ्रेशमेंट पॉइंट, जहाँ पर आप लोग टी कॉफी हो कोल्डिंग एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा, वीडियो लाइक कर देना, चैनल चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो कहेंगे देते हैं, यस, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप एडिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।